हे गाइस वेलकम बैक टू न्यू टॉयज। माय नेम इज कोरब और दोस्तों आज हम करने वाले हैं स्टंट कार की अनबॉक्सिंग। काफी ही छोटे से स्टंट कार है बट है दोस्तों काफी ही कमाल की। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसकी वीडियो। और अभी तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये लाल बटन इसे दबा के। और दोस्तों ये है स्टंट कार का बॉक्स और रेडियो कंट्रोल है और काफी ही छोटी सी स्टंट कार है। जो इसका बॉक्स का साइज है वो भी काफी ही छोटा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके का बॉक्स है और यहाँ पर हमें फुल फंक्शन मिल जाते हैं। 360 तक ही होती है और हाई स्पीड लिखा है। तो चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं कि कैसी है हमारी स्टंट कार। और ये हो गया बॉक्स ओपन, इस तरफ से बिन बाहर निकालते हैं और रेड कलर में काफी सारे आपको कलर देखने के लिए मिल जाएंगे इसमें। तो यहाँ पर सबसे पहले नीचे की तरफ से 3 बैटरी मिली हैं और ये 3 बैटरी है, डबल ए 700 mAh की बैटरी है और एक यहाँ पर इसका चार्जर मिला है तो ये रिचार्जेबल है, काफी अच्छी बात है इसमें। और यहाँ पर जो इसका रिमोट है दोस्तों वो काफी ही छोटा सा और ठीक ठाक है, ज्यादा कुछ खास क्वालिटी नहीं है रिमोट की क्योंकि छोटी सी कार है। यहाँ पर ये रही हमारी स्टंट कार और आप देख सकते हैं काफी ही छोटी सी है और यहाँ पर 2 व्हील छोटे मिल जाते हैं आगे और पीछे की तरफ 2 व्हील बड़े मिलते हैं। एक यहाँ पर भी है तो स्टंट करेगी तो यहाँ से मतलब मूव हो जाए। यहाँ पर देखिए जो इसकी क्वालिटी है दोस्तों वो ठीक है, ज्यादा कुछ मतलब खास नहीं है। यहाँ पर ऑन ऑफ का बटन देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर हमें बैटरी लगानी है और यहाँ पर हम बैटरी लगाते हैं बट इसमें एक खास बात मेरे को ये लगी कि काफी छोटी कार है, इसमें भी आपको यहाँ पर चार्जेबल बैटरी मिल जाती है रिचार्जेबल और साथ में चार्जर भी है तो बैटरी बार बार बाहर से नहीं खरीदनी पड़ेगी, चार्ज करते रहो। तो यहाँ पर 3 बैटरी लगाते हैं हम। तो ऑन कर दिया। यहाँ पर आपको कोई भी लाइट देखने के लिए नहीं मिलेगी और यहाँ पर कहीं पर भी लाइट नहीं है। 2 AA बैटरी रिमोट में भी लगानी है यहाँ पर, तो रिमोट में भी आपको कोई ऑन ऑफ का बटन देखने के लिए नहीं मिलता है। और ये कार देखिए ऑन हो गई है। यहाँ पर ऑप्शन जो है इसमें रिमोट कंट्रोल में फंक्शन है फॉरवर्ड बैकवर्ड और राइट और 3 राइट। तो काफ़ी यार देखिए किस तरीके से यहाँ पर राइट लेफ्ट होती है, अपने जो टायर हैं इसको ही मूव कर देती है पूरे, देखिए घुमा देती है इस तरीके से। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं, स्पीड देखते हैं यहाँ पर कैसी है। तो आप स्पीड देख सकते हैं काफी ही मतलब सही है और देखिए दोस्तों किस तरीके से यहाँ पर काफी सारे स्टंट करती है। और देखिए तो ये यहाँ से भी निकल आएगी तो आपको इस तरीके के स्टंट करके दिखाएगी और आप कार पलट चुकी है, आप देख सकते हैं तब भी चलती है, ये कहीं पर भी रुकने वाली नहीं है। और देखिए इसके टायर कैसे हो गए हैं। बट जो उसके कंट्रोल क्या कहते हैं रेंज है ना, वो यहाँ पर देखिए दोस्तों 3 व्हील पर भी चल सकती है, आप देख सकते हैं एक टायर ऊपर है और 3 व्हील पर भी कार चल सकती है। 3 पे उसको वैसे चलाते हैं, देखिए दोस्तों इस तरीके से भी चल सकती है। और वैसे दोस्तों इस प्राइस रेंज में काफी अच्छी है बट जो उसकी रेंज है ना वो आपको ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलती है। तो एक मिनट में दिखाता हूँ आपको उसकी रेंज, दिखाता हूँ जो उसकी रेंज है वो ज्यादा नहीं है। तो उसको हम ले जाते हैं आगे तक और देखते हैं रेंज कितनी है। और अब आप देख सकते हैं दोस्तों ये वहां तक रेंज कंट्रोल रेंज इसकी जानी रही है तो काम करना बंद कर दिया तो थोड़ा सा हमें आगे जाना पड़ेगा। तो जो इसकी रेंज है वो काफी कम देखने के लिए मिलती है। तो ये आ गई हमारी कार और वैसे तो दोस्तों ये काफी ही मतलब अच्छी है कार बट जो इसकी रेंज है वो थोड़ी सी कम देखने के लिए मिलती है। तो दोस्तों ये कार है मतलब काफी ही अच्छी है और यहाँ पर इसका चार्जिंग पोर्ट है इसको चार्ज करने के लिए बट इसमें एक दिक्कत है जो इसकी रेंज है वो काफी कम देखने के लिए मिलती है क्योंकि आप समझ सकते हैं
जो रिमोट है वो ठीक ठाक है, मतलब ज़्यादा खास नहीं है, बट कार काफ़ी कमाल की है। और वीडियो अगर आपको पसंद आए वीडियो को लाइक करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय दोस्तों।